तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहले कर मैं आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के साथ किया दूसरा अन्याय। बिल्किस बानो का रेप करने वाले दोषियों को दोबारा से जेल में डालने से किया इनकार, बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शाहरुख खान की फिल्म पठान के समर्थन में उतरे RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी, बोले चीन से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी जबरदस्ती पठान फिल्म का कर रही है विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आधे घंटे में मुसलमानों से निबट लेंगे, हिंदू नेता के घर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, AIMM ने जताई आपत्ति, कहा मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का ऐलान करने वाले के घर क्यों जा रहे हैं बीजेपी नेता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पाकिस्तान में कुरान शरीफ को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज, कहा पाकिस्तान में अगर स्कूली पाठ्यक्रम में कुरान को किया गया शामिल तो इस्लाम धर्म का होगा अपमान। वहीं आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को लगा बड़ा झटका, हिरासत में मौत मामले में बैकफुट पर योगी सरकार, 11 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में दोबारा से सरकार बनने के बाद बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी के मोरबी के पार्षदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखा पत्र। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के साथ फिर से किया अन्याय, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को दोबारा से जेल में डालने की याचिका को किया खारिज। जी दोस्तों आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां राम मंदिर बनाने के आदेश देने वाले सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात में 2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो के 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका को आज खारिज कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो का बलात्कार लोगों ने किया था और 7 लोगों की उसके परिवार की हत्या कर दी थी, जिसको गुजरात की BJP सरकार ने अपनी क्षमा नीति लागू करके बिल्किस बानो के रेपिस्टों को छोड़ दिया था। इन रेपिस्टों को छोड़े जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बिल्किस बानो पहुंची, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो को झटका देते हुए बिल्किस बानो की दोबारा से आरोपियों को जेल में डालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब बिल्किस बानो का जिन लोगों ने रेप किया था और उनके परिवार की हत्या की थी, अब वो दोबारा जेल नहीं जाएंगे, बेइज्जत बरी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, तो बाबरी मस्जिद के बाद एक तरफा फैसला, बिल्किस बानो मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से लिया। आपकी क्या राय दोस्तों, वीडियो को जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान के विरोध में उतरी करणी सेना, शाहरुख खान का फूका पुतला। जब दोस्तों आपको बता दें कि अभिनेता शाहरुख खान की पठान फिल्म को लेकर पूरे देश में विरोध हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी नेताओं द्वारा शुरू हो गया है। राजपूत करणी सेना ने अश्लील फिल्मांकन का आरोप लगाते हुए अभिनेता शाहरुख खान का पुतला फूका है और उनकी फिल्म का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में किसी भी कीमत पर शाहरुख खान की फिल्म पठान को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। शाहरुख खान का विरोध करते हुए लोगों ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के पुतले फूके और शाहरुख खान के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। करणी सेना ने साफ कहा है कि वह किसी भी कीमत पर शाहरुख खान की फिल्म पठान को थिएटरों में रिलीज नहीं होने देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से खुलकर हिंदूवादी संगठन इस फिल्म के विरोध में उतर आए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आधे घंटे में मुसलमान से निबट लेंगे, हिंदू नेता के घर जाएंगे बीजेपी के गृह मंत्री, AIMM ने जताई आपत्ति। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के खंडवा दौरे से पहले ही उनके कार्यक्रम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने मिश्रा के कार्यक्रम को लेकर एक लेटर पोस्ट करते हुए पुलिस के सामने मुसलमानों से आधे घंटे में निबट लेने की धमकी देने वाले नेता के घर गृह मंत्री के भोजन करने के कार्यक्रम पर सवाल उठाए। AIMM का आरोप है कि ऐसा कर मुसलमानों को मारने के लिए ये सरकार खुद हिंदुओं को प्रेरित कर रही है, ये संविधान और लोकतंत्र पर काला धब्बा है, मुसलमानों के साथ ये बड़ा अन्याय है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार को बुरहानपुर और खंडवा के दौरे पर है। बुरहानपुर से खंडवा आकर शाम को स्थानीय नेता अशोक पालीवाला के घर भोजन करेंगे। ये पालीवाला वही शख्स है जिन्होंने कुछ दिन पहले ही खंडवा में CSP कार्यालय का घेराव किया था और कहा था कि मुसलमान अगर ऐसे नहीं मानते हैं तो हम आधे घंटे में मुसलमानों से निबट लेंगे, पुलिस को हटा दिया जाए। वहीं आपको बता दें कि अब उसी के घर बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भोजन करेंगे और AIMM ने इस पर विरोध किया और कहा कि किस तरह से मुसलमानों के नरसंहार को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री ऐसा कर रहे हैं और आगे लोग फिर लोगों का कत्ल करेंगे।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, वायनाड से जीत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष कोर्ट ने केरल के वायनाड से उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में वायनाड से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस नयन ने 21 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की भी ने यह याचिका को खारिज कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। यूपी में हिरासत में मौत के मामले में बैकफुट में योगी सरकार, 11 पुलिस कर्मियों को किया सस्पेंड। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पुलिस जो लोगों को सुरक्षा और भरोसा देने के लिए शपथ लेती है, उसी पुलिस को उत्तर प्रदेश में लोगों पर मनमानी करते देखा जा सकता है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां एक व्यापारी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। इस मामले में पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। मामले से संबंधित एसओजी इंचार्ज प्रशांत गौतम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के मानव अधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लिया। अब तक मामले में 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं फरार पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस विभाग ने 6 टीमें लगा दी हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में मौत होने के मामले में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बैकफुट पर है और पुलिस कर्मियों को अब सस्पेंड किया जा रहा है। तो योगी सरकार को ये बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान में कुरान को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें प्राथमिक से कॉलेज स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में पवित्र कुरान को अनुवाद के साथ शामिल करने का अनुरोध किया गया था। सिंह उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि आस्था एक व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर शिक्षा पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान ने सत्ता के 3 स्तंभों न्यायपालिका, विधायकी और प्रशासन की भूमिकाओं के बीच एक संतुलन बनाया है। अदालत ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 20 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कुरान शरीफ, जो पवित्र कुरान है, उसको पाठ्यक्रम में शामिल करवाए, स्कूल कॉलेज में कुरान शरीफ किताबों में पढ़ी जाए, जिससे कि कुरान का अपमान हो, इस्लाम धर्म का अपमान हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोरवी के बीजेपी पार्षदों ने खोला गुजरात सरकार के खिलाफ मोर्चा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को लिखा पत्र। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोरवी के पार्षदों ने गुजरात सरकार के नगर पालिका के अधिकारियों का अतिक्रमण करने के कदम का विरोध किया है। पार्षदों ने राज्य सरकार के कदम का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा है। 30 अक्टूबर को माचू नदी पर झूला पुल के गिरने के बाद, जिसमें 135 लोग मारे गए थे, गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट को सूचित किया कि वह नगर पालिका के अधिकारों को नियंत्रित करेगी। मोरबी नगर पालिका के 12 निर्वाचित सदस्यों में से 47 सदस्यों ने इसका विरोध किया। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में इन पार्षदों ने कहा कि ओरेबा समूह को मरम्मत का ठेका देने में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, सरकार ने जानबूझकर इसका ठेका दिया, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है और हम इस फैसले का विरोध करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात में दोबारा से बीजेपी की सरकार जरूर बन गई, लेकिन बुरी तरह से भाजपा का विरोध अब हो रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की फिल्म पठान के समर्थन में उतरे जैन चौधरी। जब दोस्तों आपको बता दें कि तवांग में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर जमकर बयानबाजी हो रही है, इसी बीच शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर भी विवाद हिंदुवादी संगठनों और बीजेपी ने खड़ा कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया पर लोगों को चीन के साथ हुई झड़प पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए, तो वहीं लोग फिल्मों का बहिष्कार करने को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। ऐसा ही एक ट्वीट आरएलडी नेता जैन चौधरी ने भी किया है। आरएलडी अध्यक्ष जैन चौधरी ने ट्वीट कर लिखा कि बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, सामाजिक भेदभाव को भूलो, चीन के आक्रमण को, घुसपैठों को छोड़ो, फिल्म का बहिष्कार करो, जल्द कृपा आएगी। जैन चौधरी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि चीन ने जो हमारे देश पर हमला किया है, इस हमले से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने साजिश रचकर शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध किया है, जिससे कि लोगों का ध्यान चीन से भटक जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किस तरह से बीजेपी देश में चाल चल रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में गोलियों की आवाज से सुबह सुबह दहला राजौरी। सैन्य अस्पताल के पास आतंकी हमला, 2 लोगों की मौत।
दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक राजौरी में आतंकी हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि सैन्य अस्पताल के पास ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें दो लोग की मौतों की खबर सामने आ रही है। न्यूज एजेंसी ANI ने व्हाइट नाइट कोर भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के हवाले से बताया कि सैन्य अस्पताल के पास राजौरी में अज्ञात आतंकवादियों द्वारा सुबह की गई गोलाबारी की घटना में दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। पुलिस सुरक्षा बल और नागरिक प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि अनुच्छेद 370 जब हम खत्म कर देंगे तो आतंकवाद भी जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा, लेकिन लगातार हमले हो रहे हैं और बीजेपी इन हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्ष को इस मामले को लेकर जिम्मेदार ठहराती है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।